मैं नीलकंठ जाने से पहले परमार्थ के पास, परमार्थ है ये इसी केस में, इधर जानकी सेतु है अगर आपको दिख रहा है तो, जानकी सेतु है इधर, ये परमार्थ है। आप नीलकंठ जाने से पहले यहाँ गंगा जी में नहा सकते हैं, शिव जी की बहुत अच्छी मूर्ति है, यहाँ पे फोटो वोटो भी खिंचवा सकते हैं आप, और परमार्थ की आरती का भी इंजॉय ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे 7 बजे परमार्थ की आरती होती है, बहुत अच्छी, यहाँ पे लोगों का बहुत लोग होते हैं, और आज तो बारिश हो रही है, थोड़ा अंदर ही हो रही है आरती, और यहाँ पे नहा के गंगा में स्नान करके आप नीलकंठ के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से, यहीं से ही पैदल यात्रा होती है, यहीं से गाड़ी से जाते हैं। जानकी सेतु पुल पे इन्होंने पैदल का अलग बनाया हुआ है। कुछ भोले हैं जो जिनकी वजह से दूसरे भोले भी बदनाम होते हैं, ये डिसिप्लिन खराब करते हैं, अपनी लाइन में तो घुसना है, दूसरी लाइन में घुस गए आके। देखो भैया जी, इसी केस में जानकी सेतु तक पहुंचना है तो मैं किसी तरह रास्ता पूछ पूछ के, वैसे तो सीधा सीधा रास्ता है, ऑटो वाला आपको छोड़ देगा यहाँ जानकी सेतु से, यहाँ से निकलोगे आप, यहाँ से निकलते ही ये रास्ता जा रहा है सीधा पैदल नीलकंठ के लिए, जानकी सेतु से बाहर निकल गई सीधा। ऐसा अगर आप चाहो तो यहाँ से इस रास्ते से चल सकते हैं, सीधा पहुँचोगे आप परमार्थ जाके आपने स्नान करना है, वहाँ से गंगा जल लेना है, और सीधा नीलकंठ के लिए यहाँ से पैदल निकल जाएगा अगर जो पैदल जाना चाहे। ये रास्ता है, यहाँ से निकलते ही, बाहर निकलते ही ये रास्ता है, यहाँ से आप निकल सकते हैं पैदल। तो भाई शिव भक्तों, अगर आपको आना है सीधा कैलाश पार्किंग बोलना है हरिद्वार से ऑटो वाले को, वो सीधा आपको कैलाश पार्किंग लेके आएगा ऋषिकेश में, और फिर मिलेगा आपको जानकी सेतु। इस जानकी सेतु को पार करने के बाद में अगर आपने नीलकंठ जाना है तो नीलकंठ जा सकते हैं सीधे, अगर पहले नहाना है तो वहीं पर परमार्थ में जाओ आप, लेफ्ट में मुँह घूम के। कुछ बोले कैलाश पार्किंग में भी इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं अपना डीजे वीजे बजा के। हरिद्वार से भर भर के आ रहे कावड़ियों को लेके ऑटो।